अस्सलाम वालेकुम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। फिर वो उसका जो मूवी लेके आए थे उसका दूसरा पार्ट लेके आए हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं। अगर हमारे साथ एंजॉय करें तो प्लीज फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा नाम है दीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मलिक के साथ मोहम्मद समीर खोखर। सो लेट्स स्टार्ट। Mamma mia! Allora, buongiorno Al Pacino! Welcome signorita! Welcome to Puglia, the most romantic, the most beautiful place in the world! Robert De Niro ka kasama mara Hotel Fuller! Aapka booking? Cancel! Aap chale jao, please, go get out, go home! Gracias, prego! लेकिन हमें तो बुकिंग कंफर्मेशन मिली थी। I'm joking! Mamma mia! Come on! Agenda allora! Let me introduce myself. मैं इस होटल का मालिक। मेरा नाम आखरी पास्ता। आखरी पास्ता? ये कैसा नाम? पास्ता मेरा सरनेम। मेरा फादर इटालियन, उनका नाम था स्पेगेटी पास्ता। मेरा मदर हिंदुस्तानी, उनका नाम सेवैया पास्ता। सेवैया पास्ता? और मैं इस फैमिली का आखिरी पास्ता। मम्मा मिया, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्राइड, लेट मी वेलकम द ब्राइड इटालियन ट्रेडिशन। मम्मा मिया, एंड नाउ फॉर द बिग स्मूच। नो स्मूच। आई एम जोकिंग, ये तुम खुद पहन लो। कम ऑन बेले, सी बेले, लेट अस गो। तुमसे पहले तुम्हारा लगेज तुम्हारे कमरे में पहुंच गया। थैंक यू। अलोरा, हम तुम दोनों के लिए दो ब्यूटीफुल कमरा बुक किया अलग अलग फ्लोर पे। हे, हम हनीमून पे आए यहाँ। आई एम जोकिंग। वल्ला कोची, तुम किधर का रहने वाली? अभी तो तुम इटालियन था, पठान कैसे हो गया? मेरी पैदाइश काबुल में हुई। काबुल में? आई एम जोकिंग। अलोरा, मेरा होटल वो देखो किदर? देखो क्या करता है कमीने? छोड़ छोड़। hey! Mamma mia! Such a beautiful bride! I'm only welcoming her. I mean my brother, वो इंडिया में रहते हैं। He's the head of Indian military intelligence. और मेरी बहन, वो शादी। मेरा फोन! मंकी ले दे। मैं लेके आता हूँ उसे। तुम फिकर मत करो। मंकी, मंकी, ओके, मंकी। कांटी का? तुम फिकर मत करो। अगर ये इटालियन है तो मैं इंडियन हूँ। Be careful. फोन दो बेटा। तुम आ जाके खड़े हो जाओ, इधर मत आना। फोन दे बेटा, प्लीज। नॉटी मंकी, तू किसको फोन करेगा बेटा? फोन दे दे बेटा, मंकी बेटा फोन दे। इज्जत का फलूदा क्यों निकाल रहा है यार? फोन दे दे, इंप्रेस करना चाहो। देख, दो चापर मार चुका, अब प्लीज दे दे। आपका फोन, मैं इटालियन बाकर से जंग जीत गया। थैंक यू। आया, आया, मैं किस एंगल से आया लगती हूँ? कुक, कुक, मैं कुक, कुक। हम सॉरी बेबी, हम लोग और क्या कर सकते थे? मैं बताता हूँ, झूठ बोलने से अच्छा सच बोल सकते थे। 50 झूठ बोल चुका हूँ, 50 झूठ मुझे और बोलने पड़ेंगे। इसके पापा के सामने पागलों की तरह अफ्रीकन डांस कर रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, पागल हो गया हूँ। लेकिन तुम लोगों को बोलने से क्या होगा, मेरी तो किस्मत खराब है। देखा, देखा मेरी किस्मत? ओह, तेरी किस्मत खराब है? हाँ, तेरी किस्मत, तुझे मौला, तेरी तेरी, मेरी बीवी तेरी बीवी, तेरी बीवी तेरी बीवी मेरी बहन, तेरी होने वाली बीवी तेरी बीवी मेरी बहन। ये हर बार हर औरत तेरी बीवी और मेरी बहन बन जाती है, और तेरी किस्मत खराब है। वाह शाबाश। ये सब छोड़ो, अफ्रीकन बच्चा स्टेला का है। तुम्हें भी हर चीज जल्दी चाहिए ना? नकली बच्चा, नकली पति, नकली घर, नकली पापा के बारे में ऐसे मत बोलना। पापा असली है, ओके? पापा!
पापा पापा वो अमला मौसी आ कुतरा उनी सामने ना नाचता कुतरा मौसी आ हाथ मने आप ही दे दन्नो मैं भूल गई थी क्या पापा को नींद चलने की बीमारी है व्हाट मेडिसिन हुई है गब्बर सिंह क्या मैं रिश्ता पक्का समझू पक्का 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 सुरमा भोपाली होली क्या रे छे भाई बाल बाल बच गए बाल बच्चे अभी पाल पाल बच गए पाल बच्चे नहीं सॉरी गुड नाइट मॉर्निंग टू यू आयो के मालिक की किस्सी ले रही हो शर्म नहीं आती इट्स नॉट फनी ओके आई एम जस्ट जोकिंग आई एम जस्ट दामाद जी दाज मारो दामाद जी तुमने कुछ बोला ओ दामाद जी तुम्हें क्या जो आरो दामाद जी मेरे को सुबह सुबह पापा जी कहाँ जा रहे अपने दामाद को ढूंढने और दामाद तो यहाँ है ऊपर हेटल के साथ बॉब सोया हुआ है मदद करो ऊपर चढ़ने में रामाजी बक्का ये बक्का रामाजी जागे जाओ दामाद अरे छोड़ एक गाड़वा उठ पापा ले पापा पापा व्हाट रामाजी जी ये क्या कर रहे हो मैं पुशअप्स कर रहा हूँ एक्सरसाइज पुशअप एक्सरसाइज मैं भी करता हूँ नहीं आप नहीं कर सकते अरे तो मैंने धो तो खराब आप थक जाओगे अरे धो तो खराब भाई बे त्रण चार पांच छह सात No! तू ठीक है ढाकी क्यों भाई ढाकी क्यों देखो कर तू यहाँ क्या कर रहा है मैं अरे जल्दी बोल अंदर आ रहा था सुबह सुबह नाश्ते का ऑर्डर लेने के लिए नाश्ते का ऑर्डर लूंगा पूंगा दामाद जी जरा साइड में जाओ नाश्ते में क्या करूं तो उसने अपना अखबार लिए कि मुझे ना पढ़ दे और कुछ खाओगे सर राहुल राजेश मोहन राज रो रहा है अरे निशा कृष्णा पूजा का भाई है तो पूजा मकाओ वाली लेकिन कृष्णा तो सैंडी का भाई है अरे वो उन दोनों का भाई है दोनों को मेरी तो किस्मत इतनी खराब है कि अगर तू मेरी गर्लफ्रेंड होती तो तेरा भी भाई निकलता मैं बहुत स्ट्रेस्ड हो गया मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं करूँ क्या एक मिनट मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा नहीं, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा सैंडी को अबे अभी तो सैंडी को कुछ नहीं बताएगा वो कुछ नहीं समझेगी नहीं मैं झूठ जो भी तुझे सच बोल रहा है वो शादी के बाद बोलना तू समझ ले तुझे झूठ बोलना पड़ेगा नहीं मैं झूठ नहीं बोल सकता आरुष जी झूठ से किसी का घर बसता है झूठ झूठ नहीं होता आरुष नहीं होता मैं झूठ नहीं बोल सकता तुझे बोलना पड़ेगा सैंडी के लिए बोलना पड़ेगा सैंडी के लिए ठीक है आखिरी बार बोलूंगा झूठ आखिरी बार बोलूंगा आखिरी बार भाई आखिरी बार बहुत स्ट्रेन पड़ता है यार बहुत स्ट्रेन आखिरी बार नहीं तुझे बार बार करना पड़ेगा बटुक
मोदी जी जबरदस्त लगा इस सीन को भी देखकर, और काफी बातें ऐसी हैं जो हैरान कौन है। अगर देखा जाए शुरू में जो हमें दिखाया गया, वो क्या नाम है वो उनका शुरू में जो मामा मिया जो है ना, वो बड़े यार ठरकी कारण का स्पेनिश बोले तो बड़ी बात है कि मेरे हाल में स्पेनिश उन्होंने बोली है। स्पेनिश बोलते बोलते इंग्लिश हिंदी सारा कुछ मिक्स कर दिया। वहां देखा जाए तो वो एक थर्की किस्म का कह लो दिखाया गया, और अक्षय जी की मतलब वो वाइफ बन चुकी थी वो पहले। बिल्कुल तो जी, हर चीज में वो हनीमून पे थे भाई साहब। हाँ, हर चीज में वो एक ट्विस्ट ले आते हैं। जब भी कहता है अगला बंदा की हाँ ऐसे, तो वो बोल देते हैं जोक कर रहा था मैं। पहले पूरी बात कर देते हैं, फिर कहते हैं जोक कर रहा हूँ। वो उसको हाथ डाल रहा है, उसकी किसे भी ले देते। आखिरी जो असली वाली किस लेने लगे था तो पहले तो उन्होंने दूसरी तरफ अट्रैक्ट किया ना कि मेरा होटल देखो जरा कितना प्यारा होटल है। वो कहता किधर है उसको उस साइड पे लगाया था, खुद किस वाली साइड पे जा रहा था लड़की की जो है ना वो रोमांटिक। मैं तो जोक कर रहा हूँ। हाँ, और अगर देखा जाए तो फिर कहता है कमरे आपके लहता लहता है, एक ऊपर है एक नीचे। हाँ, वो कहते हैं हम हनुमान पे आए हैं यार। हाँ, ये क्या कर रहे हो? तो वो कहता है मैं जोक कर रहा था जोक। हाँ, अच्छी एक्टिंग वो भी जो है ना, अच्छी एक्टर है। फनी मोमेंट जो जबरदस्ती किसे दर्शाते हैं, और उसके आगे अगर देखा जाए तो अक्षय जी जो है ना वो हर जगह पे फंस जाते हैं। यहाँ एक सीन दर्शाया गया है, वो अपनी जो है ना गर्लफ्रेंड के साथ होते हैं, और जो है ना जो दूसरे होते हैं वो अपनी बीवी के साथ होते हैं। वहां से फिर हुआ है कि जो पापा ने एक सीन हुआ हुआ उनके साथ, उन्होंने अपनी बीवी चेंज की हुई है, जो एक भाई साहब है उन्होंने उनको बहने बनाया हुआ है। तो अच्छे की जो उसकी अपनी बीवी है उसको अक्षय गर्लफ्रेंड बनाया हुआ है, बीवी बनाया है, इस टाइप के उन्होंने काम किए हुए हैं। अक्षय की अब दो तीन गर्लफ्रेंड है, एक बीवी है, वो अब इन चीजों को मैनेज कर रहे हैं। और देखा जाए तो हर बार झूठ बोल देता है कि मैं ऐसा था। वो अब अपनी बीवी के पास था और ये अपनी बीवी के पास था। वो जब इन्होंने देखा कि ससुर जी आ गया और ऊपर जाने वाले हैं, तो मैं अभी नीचे हूँ, वो ऊपर सोया हुआ है, तो वो ऊपर चढ़े हैं। ऊपर जब गए हैं तो वो भी अंदर आ गया, कहता है कि मैं पुशअप्स लगा रहा हूँ। वो जो है ना सीन काफी देखने वाला था, क्योंकि वहाँ पुशअप्स अंदर आ गए हैं। और सुसर जी ने कहा कि दामाद जी क्या कर रहे हैं? कहते हैं मैं एक्सरसाइज करता हूँ सुबह सुबह। अच्छा, एक्सरसाइज करते हैं? एक्सरसाइज तो मैं भी करता हूँ। फिर जो है वो एक्सरसाइज शुरू होगी, और साथ वाले जो तीसरे भैया रतेश भैया उनकी एक्स्ट्रा में एक्सरसाइज शुरू होगी, उनको फ्री में एक्सरसाइज करनी पड़ी। लेकिन आखिर पे पकड़े गए हैं भाई साहब, बाहर निकल आए। और जब पकड़े गए हैं तो कहते हैं मैं नाश्ता लेने के लिए। अरे भाई, इस रेस्टोरेंट के जो वेटर है वो नंगे ऑर्डर लेने आते हैं। थप्पड़ वाला जो सीन है वो काफी अच्छे तरीके से दिया। मालिक को भी थप्पड़ मार दिया क्योंकि नौकर हो के, और वहां फिर यार मालिक ने भी एक अच्छा सीन दर्शाया मारने के बाद। वो नौकर बना हुआ है ना, अलग इसमें नौकर बनाया हुआ ना, इसमें जो मतलब जिस बुद्ध मचा हुआ है इसमें नौकर बना हुआ। सबसे इसमें जो फनी सीन था वो अक्षय कुमार का था, जब बंदर ने वो मोबाइल छीना है। हाँ, वो उस टाइम जो थप्पड़ भरे है अक्षय कुमार को, और जो उसने मारे जो बेइज्जती की। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो जो सीन होता है ना ये बंदर के साथ की कोई चीज फेंको तो वो मोबाइल भी फेंक देगा, मुझे लगा वो दर्शाया जाएगा, पर यहाँ उल्ट किया गया। यहाँ थप्पड़ों के साथ स्वागत ले लिया, आहरकार ले लिया, इम्प्रेस करते करते खुद भी प्रेस हो गए थे भाई साहब। बिल्कुल, बाकी जबरदस्त था जी, काफी अच्छे अच्छे इसमें सीन आए हैं जिसको देख के काफी एंजॉय किया जी। बिल्कुल, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर हम लोगों ने दिया अपना ओपिनियन, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा, और जो भी आप लोगों की डिमांड है पसंद की वीडियोस हैं वो भी सजेस्ट कीजिएगा, कोशिश करेंगे वो भी लेकर आए। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि एंटरटेनमेंट के हवाले से क्लिप होना चाहिए, फनी होना चाहिए, या कोई फनी स्कैन हो जाए, जो भी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।